स्थान जहां तुलसी का वन है। आप देखें यहां पर श्यामा तुलसी विराजमान है। जिन जिन लोगों ने भागवत जी की पोथी अपने पितरों के लिए बैठलवाई है, यहां पर श्यामा तुलसी विराजमान है। आप सब दर्शन करें, ये श्यामा तुलसी है। और श्यामा तुलसी यहां आपके पितरों के रूप में कथा सुन रही है। सप्तम दिवस जब कथा संपन्न होगी तो ये तुलसी आपके जिजमानों के घरों में पहुंचेगी। ध्यान दें, एक तो ये वृंदावन की तुलसी अकेली नहीं आएगी, बिना रज के तुलसी भेजी नहीं जाएगी, तो ये रज लेके ही आएगी जो मोक्षदायी नहीं है। ब्रज रज ओढ़ मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त है जाए। आलसियों जोर से बजाओ। आप बताओ बिना रज के आ सकती है तुलसी? तो जो रज आएगी वो कौन सी होगी और वो ब्रज रज कौन सी, उसका असर क्या है? उसका असर क्या है? बोले मुक्ति के भी माथे पे ब्रज रज लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। ऐसी ब्रज रज में वृंदावन की वृंदा आएगी। ये साधारण तुलसी हम पूजा करें, जल चढ़ाएं, ये भाव देते हुए रखते हुए कि हम श्यामा की भी सेवा कर रहे हैं, हम श्याम की भी सेवा कर रहे हैं और हम अपने उन पितरों की भी सेवा कर रहे हैं जो पितर इस समय विराजमान होकर जो वहां पर 7 दिन भागवत सुनकर आए। एक बात तो कंफर्म है भाई, तुम मानो या मत मानो, मेरे हमारे अंगनवा में तुलसी का बिरवा।